आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बची हुई रोटी की करारी कोन चाट। जब भी रात की रोटी बचे और आपकी इच्छा हो तो आप इस चाट को जरूर बनाएं। पपड़ी चाट इसके मुकाबले में फीकी लगेगी डियर फ्रेंड्स। न मैदा लगाना न पपड़ी बनाना, और पपड़ी से भी ज़्यादा क्रिस्पी गेहूं की आटे की रोटी वाली चाट। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे अपने किचन में थोड़ी सी जगह दें और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। रात की रोटी हमने ले लिया है जो हमारे पास तीन चार बची हुई थी। इस तरह से चाकू से या पिज़्ज़ा कटर से आप कट कर लीजिए, बीच से कट कर लीजिए। अगर आधी आधी रोटी का बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा सा कोन अच्छा सा कोन बन के तैयार होगा। अगर इसे चार टुकड़ा करके बनाएंगे तो छोटा सा कोन तैयार होगा। तो देखिए रोटी को आधी आधी कर दिए हैं और इस तरह से करके हमने एक कोन का रूप दे दिया है इसको, और इसे अब टूथपिन के मदद से पैच कर देंगे। इस तरह से हमें पैच कर देना है, और टूथपिन नहीं हो तो आप कोई भी इस तरह के कोई तिनका ले लीजिए, साफ सुथरा साफ करके, और उसे इससे पैच कर दीजिए। अब देखिए एक बढ़िया सा कोन तैयार हो गया। अब कोन हमारा बिल्कुल इसी तरह से रहे इसके लिए हम उबला हुआ आलू इसके अंदर पैच कर रहे हैं जो हम चाट में यूज करेंगे इस आलू को। तो ये इसके साथ ही इसे तल देंगे तो हमारा आलू भी तल जाएगा चाट के लिए, और हमारा कोन बिल्कुल बढ़िया सा सेफ में तैयार हो जाएगा। जैसे ही कड़क होगा हम इसे निकाल लेंगे आलू को। देखिए इस तरह से सारे कोन को तैयार कर लेना है हमें। बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही बढ़िया कोन तैयार होता है और टेस्टी चाट तैयार होता है, बहुत ही क्रिस्पी। देखिए इस तरह से सारे कोन को तैयार कर लेना है हमें। अब हमें इसे तल के तैयार करना है, अच्छा क्रिस्पी सा तलना है। तो कढ़ाई में तेल एक बार तेज आंच पे गरम कर लेते हैं, फिर मीडियम आंच पे करके और इसे तलते हैं। मीडियम आंच पे हम इसे तलेंगे तो हमारा कोन बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी तैयार होगा, और अंदर का जो लेयर है वो भी बढ़िया से क्रिस्पी तैयार हो जाएगा। और ये तेल में जाने के बाद आलू धीरे धीरे अपने आप ही बाहर की तरफ आ जाता है और निकल जाता है। अगर चम्मच से थोड़ा सा दबा देंगे तो और भी अच्छी तरह से ये बाहर आ जाता है। और इसी आलू को हमें चाट में यूज करना है। तो अगर ये आलू तल जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और ये एक बढ़िया सा सेव भी हमारा बन गया, किसी और चीज़ का हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ा, और आलू के मदद से हमारा कोन बिल्कुल बढ़िया सा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल। अब ये आलू को इस तरह से निकाल लेते हैं, आलू को निकाल के बाहर कर लेते हैं, और ये हमारा कोन बिल्कुल बढ़िया सा तैयार हो गया। इस तरह से हमें सारे कोन को तैयार कर लेना है। इसे धीमा आंच पे ही तलना है ताकि ये क्रिस्पी बने, इसका हर लेयर जो हमने मोड़ के लेयर बनाया है वो लेयर बढ़िया से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। देखिए ये हमारा कोन तैयार हो गया। इस तरह से सारे कोन को तल के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है डियर फ्रेंड इसे बनाने का। अब बस जो तेल हमारा लगा है वो कोन बनाने में लगा है, और किसी भी चीज़ों में हम तेल यूज नहीं करेंगे। अब इस तरह से देखिए हमने सारे कोन को तल के तैयार कर लिया। ये हमने हाफ रोटी से तैयार किया है, थोड़ा बड़ा कोन बना। ये एक कोने रोटी को चार टुकड़े करके बनाया तो ये पतला सा कोन बन गया। ये हाफ कोन वाला ज़्यादा बढ़िया है, इसमें मसाला भरने में थोड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह से हम स्टिक को निकाल देते हैं और ये हमारा कोन तैयार हो गया। अब इस तरह से हम ले लिए हैं सामान जो हमारे को चाट बनाने में चाहिए होगा। तो हमने एक कटोरी चना लिया है, आप काला चना या वाइट चना कोई भी ले सकते हैं, उबाल के और तैयार कर लिया है। आधी कटोरी दही लिया है, शक्कर डाल के तैयार कर लिया है। एक प्याज चॉप करके तैयार कर लिया है। सिंपल हरी चटनी हमने बना लिया है, एक मिर्ची, थोड़ी सी लहसुन और अदरक, नमक और नींबू डाल के। और ये हमारा इमली का चटनी है, इमली के फल में हमने गुड़ डाल के चटनी बना लिया है। इमली का चटनी कोई भी ज़रूरी नहीं है, आप सॉस से भी इसे
बना सकते हैं, अच्छा टेस्ट बनता है। सॉस और दही हो तो चाट अच्छे बन जाते हैं। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को ले लिया है। और मसाला में हमने काला नमक लिया है, थोड़ा सा धनिया चॉप करके लिया है, जीरा भून के और पीस के ले लिया है, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर लिया है। स्वाद के अनुसार इसे इस्तेमाल करना। थोड़ा सा आलू भुजिया लिया है, आप किसी भी तरह का नमकीन ले सकते हैं, मिक्सचर वाली नमकीन भी अच्छा लगेगा इस पे। अब इस तरह से हम एक बॉल लेते हैं, और जो हमारा आलू है उबला हुआ और जो हमने कोन के अंदर डाल के तल के निकाला था, उसे मसाला बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आलू को बॉल में डालते हैं, और इसे मसल के मसाला बना लेते हैं। जो कोन के अंदर डालेंगे, ये हमारा कोन का फिलिंग हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा चना और सारी चटनियाँ जो हमने बना रखी है, दही वाली, इमली वाली, सॉस और हरी वाली, सारे डाल लेते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा प्याज भी डालेंगे, और ये जो सारे मसाले हैं उसे भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी चटपटी सी कोन का फिलिंग तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चाट तैयार होगा। इन सारों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डालते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा टेस्ट वाला मसाला तैयार हो गया। अब इस तरह से कोन को खड़ा कर लेते हैं। हमने एक गिलास, कप या कुछ भी आप लीजिए, उसमें इस तरह से खड़ा कर लीजिए, और फिर इस मसाले को इसमें डाल के और पैच करते हैं। जितना मसाला अंदर आ सके उतना आप डाल लीजिए, और इसके अलावे आप प्लेट में रख के और बाहर से भी मसाला, और आपके पास जो भी चटनी है, दही है, उन सारी चीज़ों को बाहर से प्लेट में डाल के भी आप खा सकते हैं। आप इसे प्लेट के ऊपर रख लीजिए और उसमें सारी चटनी को डाल के और बढ़िया सा चाट बना के इसे खा सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से हमने उस मसाले को ऐड कर दिया, ऊपर से सॉस लगा दिया, चटनी लगा दिया, और थोड़ा सा इमली का चटनी भी लगा देते हैं, और सारी चटनी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। एक बढ़िया सा चटपटा सा कोन चाट तैयार हो जाता है, और बहुत ही ईजी ट्रिक है। अगर आप चना नहीं उबालना चाहते तो केवल आलू के मसाला से भी इसे बना सकते हैं, और कोई भी नमकीन हो घर में तो चलेगा। इमली का चटनी नहीं हो तो सॉस से भी बन जाएगा। अब इस तरह से थोड़ा सा नमकीन डालते हैं, थोड़ा प्याज डालते हैं, और थोड़ा सा धनिया डालते हैं, और बढ़िया सा कोन चाट ये हमारा तैयार हो गया। डियर फ्रेंड, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।